बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके साथ PIA की टिकट प्राइस शेयर करेंगे जो कि 2 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2024 तक है। अगर आप लाहौर से ट्रैवल करके जद्दा आना चाहते हैं या फिर आपकी फैमिली उम्रा वीज़ा विज़िट वीज़े पर सऊदी अरेबिया आना चाहती हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप PIA की सबसे सस्ती तरीन टिकट कैसे ख़रीद सकते हैं और आपको कौन सी डेट की सबसे सस्ती टिकट मिलेगी। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि आप अपने साथ कितना वज़न ला सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान से टिकट ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत हम आपको बताएंगे, और अगर आप सऊदी अरेबिया से PIA की टिकट ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत हम आपको सऊदी रियाल में बताएंगे। नाज़रीन, अगर आप लाहौर से जद्दा के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो 2 फरवरी से PIA की टिकट प्राइस पाकिस्तानी रुपीज़ में 1,186 रुपये में मिलेगी, और अगर सऊदी अरेबिया से 2 फरवरी की टिकट ख़रीदते हैं तो वो आपको 1,386 रियाल में मिलेगी। 3 फरवरी को PIA की टिकट पाकिस्तान से 72,216 रुपये की मिलेगी और सऊदी अरेबिया से आपको ये टिकट 971 रियाल की मिलेगी। 4 फरवरी को PIA की टिकट 83,406 रुपये की मिलेगी, सऊदी अरेबिया से 1,122 रियाल की मिलेगी। नाज़रीन, 5 फरवरी को PIA की टिकट की कीमत 83,426 रुपये की है और सऊदी अरेबिया में यही टिकट 1,123 रियाल में मिलेगी। 6 फरवरी को PIA की पाकिस्तान से टिकट 77,826 रुपये की है, सऊदी अरेबिया से ख़रीदेंगे तो 1,048 रियाल में मिलेगी। 7 फरवरी को टिकट की कीमत 1,08,596 रुपये में मिलेगी, सऊदी रियाल में 1,461 रियाल में मिलेगी। नाज़रीन, 8 फरवरी को PIA की कोई फ़्लाइट नहीं है। 9 फरवरी को PIA की टिकट पाकिस्तान से लेंगे तो वो आपको 1,186 रुपये में मिलेगी, और अगर सऊदी अरेबिया से लेंगे तो आपको PIA की टिकट 1,347 रियाल की मिलेगी। 10 फरवरी को PIA की टिकट की कीमत पाकिस्तान में 72,216 रुपये की है और सऊदी अरेबिया में 971 रियाल की मिलेगी। नाज़रीन, 11 और 12 फरवरी को पाकिस्तान से PIA की टिकट आपको 77,826 रुपये की मिलेगी और सऊदी अरेबिया से आपको ये टिकट 1,048 रियाल में मिलेगी। 13 फरवरी को PIA की टिकट की कीमत 75,026 रुपये है, जबकि सऊदी अरेबिया से ये टिकट आपको 1,010 रियाल में मिलेगी। नाज़रीन, 14 फरवरी को PIA की टिकट पाकिस्तान से 1,25,356 रुपये की मिलेगी और सऊदी अरेबिया से 14 फरवरी की टिकट आपको 1,685 रियाल की मिलेगी। 15 फरवरी की कोई फ़्लाइट नहीं है। 16 फरवरी को PIA की पाकिस्तान से टिकट 88,996 रुपये की मिलेगी और अगर सऊदी अरेबिया से ख़रीदेंगे तो PIA की टिकट 1,197 रियाल की मिलेगी। 17 फरवरी को PIA की पाकिस्तान से टिकट आपको 72,216 रुपये की मिलेगी, सऊदी अरेबिया से PIA की टिकट 971 रियाल की मिलेगी। 18 और 19 फरवरी को पाकिस्तान से टिकट 72,236 रुपये की मिलेगी और सऊदी अरब से 972 रियाल की मिलेगी। 20 फरवरी को PIA की पाकिस्तान से टिकट ख़रीदते हैं तो 1,25,356 रुपये की मिलेगी और अगर सऊदी अरेबिया से ख़रीदेंगे तो 1,685 रियाल की मिलेगी। नाज़रीन, 21 और 23 फरवरी को पाकिस्तान से आपको टिकट 72,236 रुपये की मिलेगी और सऊदी अरेबिया से ख़रीदेंगे तो आपको टिकट 972 रियाल की मिलेगी। 24 फरवरी की टिकट की कीमत पाकिस्तान में 75,026 रुपये है और सऊदी अरेबिया से PIA की टिकट आपको 1,010 रियाल में मिलेगी। 25 और 26 फरवरी को PIA की टिकट पाकिस्तान से 72,236 रुपये में मिलेगी और सऊदी अरेबिया से ख़रीदेंगे तो 972 रियाल की मिलेगी। 27 फरवरी की टिकट की कीमत पाकिस्तान में 77,806 रुपये की मिलेगी, अगर आप सऊदी अरेबिया से लेंगे तो 1,047 रियाल में मिलेगी। नाज़रीन, 28 फरवरी को PIA की टिकट पाकिस्तान से आपको
72,236 रुपये में मिलेगी और सऊदी अरेबिया में आपको टिकट 972 रियाल में मिलेगी। तो नाज़रीन, अगर आप पीआईए एयरलाइन में ट्रैवल करना चाहते हैं और सबसे सस्ती तीन टिकट आपको 3 फरवरी, 10 फरवरी, 17, 18, 19 फरवरी, 21, 22, 25 फरवरी, 26 और 28 फरवरी की मिलेगी। इन तरीकों की टिकट्स की कीमत सबसे सस्ती है और आप अपने साथ सफ़र के दौरान टोटल 40 किलो सामान ला सकते हैं, जिसमें 20-20 केजी के दो बैग शामिल हैं और 7 केजी का हैंड कैरी आप अलग से अपने साथ ला सकते हैं। इस तरह आप टोटल वज़न में 47 केजी अपने साथ सामान ला सकते हैं।